गलियां है जहाँ मेरे कॉलेज के दिन गुजरे हैं। ये है कुछ जनपद मार्केट, देखो बन गई मम्मा। ये मैं मैदा मैदा खाऊंगी। बहुत ही साइलेंट रेस्टोरेंट है। थैंक यू। हेलो गाइज, नमस्ते, राम राम, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मेरे को भी फटाफट से मैं नाश्ता कर रही हूँ और मुझे आज निकलना है सीपी। मैं जा रही हूँ रश्मि के साथ सीपी और मैं लेट भी हो रही हूँ काफी। तो पहले फटाफट से नाश्ता करती हूँ और फिर निकलती हूँ। और ये मेरी मम्मी जी से आप मिल लीजिए। हेलो मैडम। सुबह सुबह नहा देती है ना, नहाए ना धोए, वो कहेंगे 12 बजे तक नहाती नहीं है इसकी माँ। तो ये तो मम्मी असलियत है ना कि 12 बजे तक नहाती नहीं है इसकी माँ। तो काम नहीं करती। कल जुगी माँ है, कल जुगी। अच्छा, कल जुगी औलाद है कि माँ काम कर रही है, कल जुगी बना रही है। वीडियो बना रही हूँ इसलिए क्योंकि ये मेरा काम है, ये मैंने काम पकड़ा है तो मेरे को बनाना पड़ेगा। मम्मी पहले एक मिनट नाश्ता डाल दो, मैं लेट हो रही हूँ। मम्मा नाश्ता डाल दो ना, मैं लेट हो रही हूँ। चाय पिलाओगे? सो गाइस, आज मेरी मम्मी ने बनाया है मेरे लिए स्पेशल मैक्रोनी। और अगर कुछ लोग बोलेंगे कि मैक्रोनी डाइटिंग में कैसे खा रही है तो मैं बता दूं, ये ग्लूटेन फ्री मैक्रोनी है तो ये खा सकते हैं, ठीक है। और ये मेरी माता ने बनाई है यार, मैंने मम्मी को सिखाया कि ऐसे बना दो नहीं तो मैं लेट हो रही हूँ। तो ये इसमें खाली कुछ भी नहीं है, इसमें खाली नमक मिर्च कुछ भी नहीं है। मम्मी यार बेइज्जती नहीं करनी मेरी है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें नमक मिर्च हल्दी बस ना, नमक मिर्च हल्दी क्या डाल करो। ये बेवकूफ बनाने का सामान इसमें डाला गया है, ये मेरी माता द्वारा। मम्मी आप एक काम करो, मैं कर लेती हूँ फटाफट से चाय बना दो, वो निकल गई है मेरी फ्रेंड, टाइम से पहुंचूंगी। ये था सही फ्रेज। तो फटाफट से अभी पहले नाश्ता करती हूँ और निकलती हूँ, और एक काम करती हूँ निकलने के बाद ही आप लोगों से मिलती हूँ। सीपी और ये देखो मेरी फ्रेंड भी आ गई रश्मि। हेलो रश्मि, ये उसका बच्चा। हेलो सारा, हेलो। तो इनको पूरी दिल्ली घुमाने का जिम्मा मेरा है इस पूरी सर्दियों में। अरे आगे चल के साथ में आना। तो इनको ये वाली सर्दियां मैं पूरी दिल्ली घुमाऊंगी। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं कहाँ घुमाती हूँ। अभी हमें चेकलिस्ट बनानी है। तो अभी ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है सीपी, जो कि ये बहुत सालों हो गए होंगे, है ना, 2 साल के आसपास में ये सीपी नहीं आई। तो इनको आज मैं सीपी लेके आई हूँ घुमाने के लिए। तो देखती हूँ क्या क्या घुमाती हूँ, आप लोग भी देख लो सीपी का नज़ारा। चलो इस साइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको जनपद लेके जाती हूँ और मैं डीपॉल्स की कॉफ़ी पिलाऊंगी इन लोगों को। इधर जाना हमें, यहाँ जनपद है। कॉफ़ी होम चलना है, इंडियन कॉफी होम भी है, कॉफी हाउस भी है, दो है। गाइज सीपी की वापस से गलियां आप लोग देख लो, फ्लैग भी देख लो सीपी का। ये वो गलियां है जहाँ मेरे कॉलेज के दिन गुजरे हैं, तो ये तो मैं कभी नहीं भूल सकती। और यहाँ का चप्पा मुझे पता है। गाइज पता नहीं क्या हो गया है आज सीपी में, कोई भी रश नहीं है बिल्कुल। नहीं, मार्केट तो नहीं बंद होगी मेरे को लगता है, बस थोड़े बहुत लोग घूम रहे हैं और कोई रश नहीं है यार, पूरी मार्केट खाली पड़ी है। वैसे तो अच्छा ही है खाली पड़ी है हमारे लिए, मेरे को भीड़ भाड़ वैसे भी नहीं पसंद है। तो गाइज ये आ गई हमारी जनपद मार्केट। यहाँ थोड़ा बहुत है भीड़, हल्का फुल्का, फिर भी जनपद मार्केट के हिसाब से भीड़ नहीं है यहाँ पे। तो गाइज मैं इनको घुमा रही हूँ जनपद। और अभी हमने देखो डीपॉल्स से ली है कोल्ड कॉफी। आप भी अगर यहाँ पे आते हो तो डीपॉल्स से कोल्ड कॉफी लेना, बहुत अच्छी मिलती है। अभी ये मेरी मैडम चप्पलें देख रही है। और ये देखो मैंने सारा को एक चश्मा लेके दिया। सारा दिखाना, पहन के दिखा, चश्मा नहीं सॉरी गॉगल्स। आहा सारा बेबी, अच्छा लग रहा है, स्मार्ट। तो पहन के रखना, ये बार बार अपना चश्मा उतारी जा रही है।
और हमने बहुत सारी मार्केट भी कवर कर ली, पीछे हम लोग पूरा घूमा है, बट मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि बहुत भीड़ थी। ज़्यादा भीड़ नहीं है, थोड़ी सी भीड़ है, ज़्यादा भीड़ नहीं है एज कम्पेयर टू कितनी जनपद में रहती है। सो गाइज मैं आपको दिखा दूँ, ये है कुछ जनपद मार्केट, देखो कितनी भीड़ है। तो आपको यहाँ पे लेडीज का, लड़कियों का स्पेशली जितना भी सामान है, लड़कों का भी कुछ कुछ मिल जाता है। विंटर वेयर भी यहाँ पे बहुत अच्छा आया हुआ है, आप ले सकते हैं। यहाँ पे सूट भी मिल जाएगा आपको बहुत अच्छे अच्छे। गाइस भीड़ हो गई है और अब हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग निकल जाते हैं, तो बेटर है, इतनी भीड़ में कौन ही घूम पाएगा। ये देखो यहाँ पे सूट, नाइट सूट सब कुछ मिलता है। अरे मेरी फ्रेंड आगे रह गई, चलो चलो आप आगे चलो, आ रही हूँ, निकलना पड़ेगा, रुक जा। गाइस बच्चों का ऐसे हाथ पकड़ के रखना। गाइस देखो ये माँ बेटी लड़ रहे हैं। तुम हमें ऐसी बदनाम कर दो, सारी माँ बेटी लड़ते हैं, मैं और मेरी मम्मी भी तो कितना लड़ते हैं। तो हम लोग आ गए जनपद मार्केट से बाहर, ये थी जनपद मार्केट यहाँ पे, और बहुत भीड़ थी जनपद मार्केट में, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी से बाहर आ गए और हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली है। अभी मैं जा रही हूँ इन लोगों को कुछ खाना खिलाने के लिए। तो ये सारा को हमारी डांट पड़ रही थी क्योंकि उसको ये खाना था, क्या है ये। तो गाइस अभी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं गुजराती लेन यहाँ की, ये है यहाँ की गुजराती लेन, यहाँ पे गुजराती सामान बहुत सारा मिलता है, आपको दिखाती हूँ मैं अभी, रुको। तो देखो यूनिक यूनिक इयर रिंग्स मिलेंगे यहाँ पे, नेक पीस मिलेंगे बहुत यूनिक यूनिक, यहाँ पे आपको ऐसा सामान सारा मिल जाएगा। क्या देख लो यार, बहुत सही लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना, प्यारा लग रहा है। कौन सा है, खुला हुआ एक देख लो, इधर आओ सारा, हाथ पकड़ो। बाजार में आके बच्चे को संभालना ना बहुत मुश्किल है यार। अरे बच्चू चल इधर, देखना कैसे चॉकलेट खा के मुंह गंदा कर लिया, गंदी बच्ची। गॉगल्स लगाना। तो गाइस अब हम जा रहे हैं दूसरी तरफ, रोड क्रॉस करके अभी हम जाना है दूसरी तरफ, बहुत सारी शॉपिंग करी हम लोग, शॉपिंग करने नहीं आए थे, बस घूमने के लिए आए थे, बट हम लोगों ने शॉपिंग नहीं करी, अब हमें घूमने सारा आराम से। क्रॉस हो गई। सो अभी मैं इन लोगों को लेके जा रही हूँ सरवना भवन, अगर वहाँ पे मिल गई हमें स्पेस, वैसे वहाँ पे लाइन लगती है, नंबर लगाना पड़ता है, अगर स्पेस मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर हल्दीराम्स में खा लेंगे। हल्दीराम्स भी है और कैफे डेली हाइट भी है, कैफे डेली हाइट में खा लेंगे, बेस्ट। अरे हमारी कोल्ड कॉफी भी तो बड़ी है, डीपॉल्स वाली, कहाँ पियेंगे, सरवना भवन में। डीपॉल्स की कॉफी सरवना भवन में, इसमें इसमें निकालो एक बार, देखती हूँ कि अगर खाना है। डोसा क्या खाने का मन है तुझे, तो सब खाना है, मुझे खाना है डोसा। तो गाइज अभी हम लोग आ गए सरवना भवन, बट यहाँ पे एक डेढ़ घंटे का वेटिंग दिखा रहा है, तो अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं एक और कोई खाने की जगह, नहीं तो कैफे डेली आईटी चल लेंगे। मिली कोई? हाँ मौसी है तो सही, आपके पास सारे टॉयज है, एक इसको ये लिया ना, ये लेना ही है फिर, चाहे वो डबल ट्रिपल कितने बार ले रखा हुआ। हाँ ये गॉगल लिया ना, अभी आगे जाके एक और टॉय मिलेगा, वो बहुत बड़ा होगा और बहुत अच्छा, पता नहीं मुझे कौन सा टॉय मिलता है ऐसा। ए बेचारा बच्चा कह रहा है मेरे पास एक भी डॉल नहीं है, बस एक ही डॉल है। ओ कितना भोला बच्चा है, बच्चे टॉयज के लिए कुछ भी झूठ बोल सकते हैं ना। एक तो चाहिए वापस यार, एक डॉल अभी थोड़ी देर बाद लेंगे ना, यहाँ से नहीं किसी बड़ी वाली शॉप से लेंगे। गाइस बच्चे कितना जिद करते हैं यार टॉयज के लिए। हाँ नहीं अभी पहले मम्मा से पूछो, पहले जा मम्मी से पूछ, मम्मी इसको मना कर देगी, ये मम्मी के पास नहीं जाती, पहले मौसी तभी दिलाएगी ना जब मम्मी बोलेगी। सॉफ्ट टारगेट मौसी है, मम्मी हार्ड टारगेट है इसलिए नहीं बोल रही। तो गाइस बच्चे की जिद की पीछे हमने बच्चे को लेके दे दिया ये बलून, जो कि ये बच्चा बहुत जल्दी फोड़ने वाला है, गंदा बच्चा। हमको कोई रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा तो हम ये डीपॉल्स की कॉफी पी के काम चला रहे हैं, जब तक रेस्टोरेंट नहीं मिलता तब तक यही पी लेते, ठीक है। कैसी है? यम्मी। यार ये बच्चे बाहर आके ऐसी हरकतें करते हैं, बच्चे बाहर आके ऐसी हरकतें करते हैं कि घर में माँ बाप कुछ नहीं मिलाते इसको। स्ट्रॉन्ग फील कर रही है, स्ट्रॉन्ग बन गई मम्मा।
स्ट्रॉन्ग बन गई मम्मा। कॉफी पी गई तो बिल्कुल। सो गाइस हमें फाइनल इधर 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 रेस्टोरेंट मिल गया खाने के लिए, तो हम लोग जा रहे हैं। हमने पता है कैसे रेस्टोरेंट ढूंढा है, बड़ी मुश्किल से रेस्टोरेंट ढूंढा, और हमको दो रेस्टोरेंट में जाना था, अब हम एक में जा रहे हैं। तो हमने इस बच्चे से सेलेक्ट करवाई दो फिंगर, तो इस बच्चे ने मेरी ये वाली फिंगर पकड़ ली। चलो तो अभी हम जा रहे हैं आर्ट ऑफ डम्पलिंग में मोमोज खाने के लिए। यहाँ से हम लोग हैं सरवना भवन के पास, तो यहाँ से 10-11 मिनट का रास्ता है और हम पैदल पैदल जाएंगे, और मैं और मेरा बच्चा साथ में, मौसी का बच्चा, क्योंकि बड़ी रिंग है तभी मैंने चूज कर लिया। ये भी तो बड़ी है। ये बड़ी रिंग की वजह से ये वाला फिंगर चूज किया था। क्यों कार्टून, ये माँ बोल रही है मेरे बच्चे को कार्टून बना रखे। ये चालू हो गई, इसका गाना देखो कह रही है ये मैदा खाऊंगी। यार बच्चे कैसे होते हैं। माँ हमसे परेशान होके जा रही है दूर, हमसे ये हमसे 10 कदम दूर चलती है। ये मेरा बच्चा नहीं है, किसका बच्चा है सारा आपका? मेरा बच्चा बच्चा बदल गया भाई, बच्चा बदल गया, सीधा जाना है। ये बच्चा एकदम मौसी के ऊपर गया है, जंप, वेरी गुड। चलो 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 चल मौसी के बच्चे हॉप करते हुए जा रही है। ये मौसी का बच्चा है, देखो माँ ने छोड़ दिया। माँ परेशान हो गई तेरी। गाइस इसकी माँ खाली बच्चे से परेशान नहीं है, मौसी से भी परेशान है। सो गाइस फाइनली इतना भागने के बाद, इतना चलने के बाद हमें मिल गया है अपना रेस्टोरेंट। आपको दिखाती हूँ द आर्ट ऑफ डम्पलिंग। चलो थैंक यू सेक्सी रेस्टोरेंट। चलो बैठो। थैंक यू। थैंक यू। तो गाइज हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, और ये बहुत ही साइलेंट रेस्टोरेंट है, एंड ऑल्सो हमारा खाना भी आ गया। हमने मंगाया ये स्प्रिंग रोल्स। स्प्रिंग रोल्स हैं, इसमें है हमारे डम्पलिंग्स, और ये इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दिया है किमची, पीनट्स, और ये क्या है, ये भी कोई सॉस है, ये भी कोई सॉस है, ये कोई आमंड सॉस है। तो हम लोग पहले खा रहे हैं हमारे स्प्रिंग रोल्स। तो फटाफट से हम लोग खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है, सुबह से हमने कुछ नहीं खाया हुआ। एंड आप ये कुछ रेस्टोरेंट देख लो, कितना सही रेस्टोरेंट है। ये हमारी शारा बच्ची है, वाओ। रश्मि कह रही है मैं ज़्यादा अच्छे से सर्व करती हूँ, मुझे तो ये पता ही नहीं, मुझे तो लगता है मेरी सर्विंग स्किल्स बेकार है, जैसे ही बोला ना वैसे ही नहीं उठ रहा, कुछ नहीं उठ रहा। ये लो ये लो ये लो। वैसे तो मैं इतना पता नहीं यार क्या हो गया, उठ ही नहीं रहा। दिस इज माई फर्स्ट टाइम आई गेस मैं एक चाइनीज रेस्टोरेंट में बैठ के खा रही हूँ, नॉट चाइनीज एग्जैक्टली, ये तिब्बतन रेस्टोरेंट है। पहले हम लोग किमची ट्राई करते हैं। वैसे तो मैं उससे खाती, क्या होती है, चॉपस्टिक से खाती रहती हूँ अपनी घर में, और यहाँ आके देखो फोक से खा रही हूँ, क्योंकि यहाँ सार्वजनिक मेरी बेइज्जती हो जाएगी, है ना, कह रही है हाँ, इसको बड़ा पता है। सो गाइस किमची तो बहुत टेस्टी है, वेरी नाइस। सो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ ये स्प्रिंग रोल। ये है स्पिनच एंड मशरूम, शिटाके मशरूम स्प्रिंग रोल। तो गाइस अभी मैं ये सुपर चिली वाली, ये मेरी मम्मी ने जैसी बनाई थी ना, ये ऑलमोस्ट वैसी है, ट्राई करती हूँ कैसी है एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, इससे तो ज़्यादा स्पाइसी हम लोग खा ही लेते हैं। तो गाइस हमने स्प्रिंग रोल पूरे फिनिश कर दिए अपने, अब हम खाएंगे डम्पलिंग्स। तो गाइस ये है हमारे डम्पलिंग्स, धुआं ही खत्म हो गया इसका। मैं तो बेटा हाथ से ही सर्व कर देती हूँ। तो गाइस हमारे मोमो खुलने का टाइम आ गया, दिस इज माई फर्स्ट टाइम मैं पत्ते वाले कोई मोमोज खा रही हूँ। यार कितने क्रिस्टल क्लियर मोमोज है। सो गाइस लेट्स ट्राई हमारे मोमोज, इसमें से पत्ते की खुशबू आई जैसे ग्रीन टी जैसी खुशबू आ रही थी। सो लेट्स डिप इट इनटू द सॉस। बहुत सॉफ्ट है, ये मैदे की नहीं है, ऐसा लग रहा है अंदर चौमिन भरी हुई है, बट चौमिन नहीं है एक्चुअली, में वो है चीज़ है और शिटाके मशरूम है, इसमें भी शिटाके मशरूम है,
कॉफी मंगा लेते हैं। गाइस हमको पता चला यहाँ कॉफी भी मिल रही है तो हम कॉफी मंगा रहे हैं। एंड इन द मीनवाइल मैं खड़ी भी हो जा रही हूँ बार बार, क्योंकि ये टेबल बहुत बड़ा है इसलिए मैं खड़ी हो जा रही हूँ, मेरी हाइट छोटी है ना। तो अभी हमने मंगाए ये नूडल इस बच्चे के लिए, बट ये बच्चा नहीं खा रहा। ऐसे कौन खाता है, ऐसे कौन खाता है, ऐसे कौन खाता है। तो गाइस अभी मैं ट्राई कर रही हूँ अपने नूडल्स। टेस्टी है ना सारा, इसके नूडल खाने का तरीका देखो गाइस, वेरी गुड वेरी गुड। दुनिया देखेगी अब। तो गाइस अक्षी और उसकी मौसी, मौसी हम लोग निकल गए हैं, मौसी और क्या बोलते हैं भतीजी भांजी, मौसी और भांजी निकल गए हैं। अब हम जा रहे कहाँ जा रहे हैं? वैसे हमारा आज का जो लंच था वो कुछ ज़्यादा खास था नहीं, हम लोग गए थे आर्ट ऑफ डम्पलिंग में, बहुत अच्छा नहीं था, ठीक ठीक था। तो हम लोग आ गए बट हमें वहाँ पे कोई कॉफ़ी नहीं मिली और कोई ड्रिंक अच्छी नहीं थी तो हम लोगों ने ड्रिंक नहीं पी। चलो चलो देखते हैं फिर आपको बताते हैं। और फिर हम लोग घर नहीं आनी है तो तो गाइज अब हमारा जाने का टाइम हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं घर घर अपने अपने घर, बाय। मेरा बलू है, चलो बाय। मौसी तो नहीं जाएगी, ये सारा जाएगी खाली। मौसी तो जा रही है, टाटा चलो बाय। गाइज माँ बेटी को मैंने छोड़ दिया है और अब मैं भी जा रही हूँ घर, आपसे घर जाके मिलती हूँ। सो गाइज मैं आ गई हूँ घर वापस और इस व्लॉग को मैं अब यहीं खत्म करती हूँ। आई होप ये व्लॉग मेरा अच्छा बना होगा, एडिटिंग के टाइम पता चल जाएगा। तो अभी मुझे व्लॉग भी एडिट करना है तो व्लॉग एडिट करके फिर उसके बाद अपलोड करके फिर मैं सोऊंगी। अगर ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना व्लॉग को और चैनल को भी जाते जाते सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे फॉलो कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, लव यू।